ओ वहाँ क्या है? अरे क्या मैं शुरू कर सकती हूँ? सुपर! वाओ ये मेरी फेवरेट स्कीटल्स है। वाओ इसकी महक कितनी अच्छी है, बस कमाल का। और तुम्हारे पास क्या है कैंडी? ओ हाँ अभी पता करती हूँ। क्या ये कच्ची मछली है? कितनी घिनौनी है और इसे भयानक महक भी आ रही है। सूजी मुझे इसे खाने के लिए मत कहो, यहाँ तक कि चॉकलेट भी कुछ मदद नहीं करेगा। ठीक है मैं इसे खाती हूँ। ओह अब ये बदबूदार मछली चॉकलेट से ढकी हुई है, घिनौना। ओह मैं इसे नहीं खाऊंगी, मुझसे नहीं होगा, मैं इसे फेंक दूंगी। ओह अब इस स्वाद से कैसे छुटकारा पाए? ओह माफ करना सूजी, तुम इतनी क्रूर क्यों हो? ठीक है मैं इसे एक बार में खाऊंगी। ठीक है मैं खा कर देखती हूँ। बस मैंने खा लिया, लेकिन मुझे अभी भी इसका स्वाद महसूस हो रहा है। जल्दी करो सूजी इससे पहले कि मैं उल्टी ना कर दूँ। उन सभी को चॉकलेट के साथ कैसे कवर किया जाए? एक आइडिया, मैं सभी कैंडीज को एक कटोरे में डालूंगी और अब मैं उन्हें एक स्पैचुला के साथ उठाऊंगी। वाओ यह तुम्हारे चॉकलेट में स्नान करने का समय है। ओ हाँ हमें यही चाहिए। यम यम अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन। बढ़िया वाह ये स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि अगर मैं ले लेती हूँ तो उसका ध्यान इधर नहीं जाएगा। अरे छोड़ो इसे, मुझे ये खाना है। रुको अरे देखो अब क्या हुआ, वो पूरा फाउंटेन अब कैंडी में ढका हुआ है। ओह और अब सब मेरा है। यह कितना स्वादिष्ट है। तुम्हारी मदद के लिए धन्यवाद, और तुम बस मुझसे मन ही मन जलो। क्या मैं शुरू करूं? अच्छा ठीक है। क्या कैटस? मैं इसे कैसे खा पाऊंगी? और तुम्हारे पास क्या है? मेरे पास है गमी आंखें। कितना अच्छा। बहुत स्वादिष्ट, मुझे ये बहुत पसंद है। तुम्हारा इसके बारे में क्या ख्याल है? हाँ बिल्कुल, मुझे इसे चॉकलेट में डुबोना चाहिए। ओह अब इन पर इसे आइसिंग लग गया तो यह वास्तव में और भी स्वादिष्ट हो गया। वाह बहुत बढ़िया। और मुझे इसके साथ क्या करना चाहिए? हाँ मुझे पता है। ओह ये बहुत कांटेदार है, मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। हाँ तो हमें इसे चॉकलेट में डुबोना होगा। बस इसे पूरी तरह से चारों ओर से लगा देती हूँ। चलो अब यह पूरा चिकना लग रहा है। मैं इसे ट्राई करती हूँ। ठीक है चलो अब खा कर देखती हूँ, हो सकता है यह सच में स्वादिष्ट हो। या कहे तो स्वादिष्ट, सच में ये बहुत स्वादिष्ट है और मैं भी ना मतलब के डर रही थी। अरे रुको रुको, अरे नहीं मेरी जीभ कांटों से भरी है। मैं पहले करूंगी। वाह यह एक सेब है, सुपर। और मुझे केएफसी चिकन, लेकिन यह चॉकलेट के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। काश मेरे पास भी एक सेब होता। अब मैं खाना शुरू करती हूँ, पर केवल सेब खाना बोरिंग होगा। नहीं ये अच्छा है कि मेरे पास स्प्रिंकल्स है। मैं एक स्टिक पर एक सेब लगाती हूँ और इसे चॉकलेट में डुबोती हूँ। बढ़िया अब इस पर स्प्रिंकल्स लगाने की जरूरत है। यह और यह और यह वाला भी। वाह यह कितना खूबसूरत निकला। अब इसे खाने का समय है। यह बेहद स्वादिष्ट है। वाह अरे तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? ओह क्या मैं थोड़ी गंदी हो गई हूँ, पर वो बहुत ही स्वादिष्ट था। वैसे लगता है कि तुम्हारा चिकन ठंडा हो रहा है। अच्छा ठीक है मैं इसे चॉकलेट में डुबो देती हूँ। यह इतना डरावना नहीं लग रहा है ना?
बल्कि थोड़ा स्वादिष्ट भी है। अरे रुको, अरे नहीं, ये बहुत तीखा चिकन है। मैं जल रही हूँ, जल्दी मुझे फाउंटेन से चॉकलेट पीना होगा, ज्यादा और ज्यादा। धन्यवाद कैंडी, यह चला गया। अब मेरी बारी है। मकई, क्या इसे चॉकलेट के साथ मिलाकर खाना है? पता नहीं मेरे पास क्या है, गम। अरे वाह, अरे मैं पहले शुरू करूंगी, धन्यवाद। मैं बॉक्स खोलती हूँ और अब मुझे इसे पूरा चॉकलेट से भरना है। वाह, अब मैं इसे वापस बंद कर देती हूँ और इसे अच्छी तरह से हिलाती हूँ। वाओ, अब मेरे पास एक चॉकलेट गम है। अब मैं इसे खाऊंगी। ये बहुत अच्छा है, मैं ये पूरा चबाने जा रही हूँ। और यहाँ चॉकलेट बबल है। ओह, फट गया। स्वादिष्ट। वाह, ये जरूर स्वादिष्ट होना चाहिए। क्या? हाँ, मेरे पास मकई है। चलो इसे चॉकलेट में डुबोते हैं। यह अच्छा लग रहा है, लेकिन स्वाद, चलो देखते हैं। ओके। स्वाद उतना अच्छा नहीं है। आइडिया, मैं इसे स्टील के ढक्कन से ढक देती हूँ और यहाँ मेरा बर्नर है। हमें इसे ठीक से गर्म करने की जरूरत है। देखते हैं क्या हुआ। चलो देखते हैं। ओह हाँ, चॉकलेट पॉपकॉर्न, और क्या खुशबू है। यह सुपर स्वादिष्ट है। बहुत बढ़िया। क्या मैं पहले करूं? वाओ, और मेरे पास पॉपिट है। कूल, और मेरे पास जेली पॉपिट है। कूल। ओ, इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है। ओ, लगता मैंने कुछ ज्यादा कर दिया। यहाँ में छेद है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इससे बहुत स्वादिष्ट खुशबू आ रही है। और चलो इसे खाकर देखती हूँ। वाओ, इसका स्वाद बहुत अच्छा है। और तुम्हारे पॉपिट का क्या हाल है? मैं अभी इसे खाने जा रही हूँ। यह रबर से बना है, मैं इसे कैसे खा पाऊंगी? ओ चलो, आउच, सीधे नाक पर। ओ, दर्द हो रहा है। अरे मुझ पर हंसो मत। ठीक है, हमें इसे चॉकलेट में डुबाना चाहिए। ओ हाँ, यह अब और भी बेहतर स्वाद देगा। चलो इसे खाकर देखती हूँ। ओहो, यह बहुत स्ट्रेची है, लेकिन मुझे यह पसंद है। बढ़िया, यह खाने में बहुत मजेदार है। क्या तुम्हें क्या चाहिए कैंडी? क्या तुम एक टुकड़ा लेना चाहती हो? पर नहीं मिलेगा, लालची। ठीक है, लेकिन तुम मेरे पॉपिट के साथ खेल सकती हो। एक मिनट रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मुझे बस इसे चॉकलेट से भरना है और अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ। चलो करते हैं। सुपर, चॉकलेट जमे हुए हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। ताड़ा, चॉकलेट तैयार है। और अब मैं उसे फाउंटेन में भी डुबो दूंगी। कभी भी चॉकलेट बहुत अधिक नहीं होता है। वाह, यह बिल्कुल वैसा है जैसा हमें चाहिए। अद्भुत चॉकलेटी स्वाद। रुकना असंभव है। वाह, बहुत बढ़िया। हाँ, तुम्हें क्या चाहिए सूजी? क्या तुम मेरी चॉकलेट खाना चाहती हो? पर नहीं, लालची होने की कोई जरूरत नहीं है। वो इतने भाव में क्यों है? एक मिनट रुको, मैं अभी उसे दिखाती हूँ। अब मैं खुद ऐसा चॉकलेट बार बनाऊंगी। केवल इन सबको पॉप करना जरूरी है। अरे इसे जल्दी वापस करो, तुम इसे फाड़ दोगी। अरे
दो मुझे। ओह नहीं, हमने इसे फाड़ दिया। ओह खैर, क्या कर सकते हैं। मेरा पॉपिट। हम अभी भी इसे खेल सकते हैं। ओह हाँ, सच में हम इसे खेल सकते हैं। सुपर। ओके। वाव, ये बहुत मजेदार है। तो अब हमें क्या बनाना होगा? मुझे एक डोनट चाहिए। मेरे लिए डोनट्स बनाओ। ये तो आसान है। हाँ हाँ, यह हो जाएगा। अच्छी चॉइस है। क्या उन्होंने अभी खाना बनाना शुरू भी कर दिया है? चलो, आटा तैयार है। डोनट्स को इस कटर से मैं काट लेती हूँ। 3 टुकड़े सही होंगे। यह फ्राइंग पैन को गर्म करने का समय है। मुख्य बात सही तापमान सेट करना है। हाँ, मैं अच्छे से तेल डालती हूँ। हाँ, यह आसान लग रहा है। टॉम, अपनी दादी को हार्ट अटैक मत दो। रिलैक्स दादी, सब ठीक है। ओप्स, अब आगे क्या करना है? तेल। हाँ, मुझे लगता है इतना काफी होगा। अब इसके गर्म होने का इंतजार करना होगा। क्या वो दोनों अभी से पित्तल भी रहे हैं? ठीक है ठीक है, तो मैं भी इसमें डाल देता हूँ। 1, 2, 3। ओह माय गॉड, तेल पूरा मेरे ऊपर छिड़क गया। टॉम, तुमने इतना क्यों डाला? हाँ सच में, मुझे अपने डोनट्स को बचाना होगा। अरे बाप रे, लगता है कुछ गड़बड़ हो गया है। यह पूरा फेल हो गया है। नहीं, ओह चिंता मत करो बेटा। चलो, मेरे डोनट्स लगभग तैयार है। अब मैं उन्हें सजाऊंगी। चलो इसे यहाँ से काट दे। हाँ, एक इंसान अपनी आँखों से खाता है, इसलिए प्रेजेंटेशन सबसे महत्वपूर्ण बात है। सब कुछ एकदम सही होना चाहिए। बेलिसिमो। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन मेरे डोनट्स फिर भी सजावट के बिना बेहतर होंगे। Awesome. इस तरह से। ओह, आपने कितने अच्छे डोनट्स बनाए हैं। और मैं, हाँ मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा चीज, इसे डोनट्स के आकार में डाल देता हूँ। हाँ okay. बढ़िया। मैं सजावट के लिए अपने फेवरेट चीटोज लूंगा। और अब हथौड़े की बारी। क्या ये जानता भी है कि डोनट क्या होता है? बढ़िया, अब मैं इसे स्प्रिंकल की तरह इस्तेमाल करूंगा। इस तरह से। हाँ, ये से एकदम सही होना चाहिए। बढ़िया, पर किसी चीज की कमी है। ओ दादी, क्या मैं आपसे यह ले सकता हूँ? अच्छा ले लो। धन्यवाद। फ्राइंग पैन को बाहर फेंको, ये स्टोव काम आएगा। अब मुझे फॉइल चाहिए। मैं अपने चीज डोनट्स को लपेटूंगा और उन्हें सीधे स्टोव पर सेकूंगा। लगता है कि सब कुछ तैयार है। एकदम सही, अब मैं इसे परोस सकता हूँ। यह यहाँ क्या है? वाह, कितना अच्छा और इतना अलग। मैं इनके साथ शुरू करूंगी। वाह, ये स्वादिष्ट लग रहा है। ओह, और अंदर एक फिलिंग भी है। ये सच में स्वादिष्ट है। तो यहाँ क्या है? क्यूट है। चलो खाकर देखती हूँ। क्या ये सिर्फ एक डोनट है? नहीं, ये उतना अच्छा नहीं है। और यह क्या है? चलो देखती हूँ। वाह, ये चीज डोनट है। यह तो कमाल का है। पर मुझे मीठा ज्यादा पसंद है। शेफ, आप जीत गई हैं। हाँ हाँ, मैं जानती थी मैं ही जीतूंगी। और अब आगे मुझे सैंडविच चाहिए। कोई मुश्किल नहीं है। नहीं, तुम मुझे हरा नहीं सकती। ओह ठीक है, मुझे पता है, लेकिन मैं एक मीठा सैंडविच बनाऊंगा। मुझे न्यूटेला चाहिए। यह रहा। बढ़िया है। और अब आगे मुझे मार्शमेलो चाहिए। चलो इसे सजाते हैं। एकदम सही। और हाँ, एक चॉकलेट बार। और यहाँ, और मैं इसमें रेनबो गमी डालूंगा।
सॉस और कुछ और मीठे को नहीं भूलना है। और अब यह तैयार हो गया और सबसे खूबसूरत दिख भी रहा है। बढ़िया, थोड़ा सा स्प्रिंकल भी डालता हूँ और इस तरह से। यह अच्छा नहीं है, इतनी चीनी। मैं एकदम साधारण सैंडविच बनाऊंगी, थोड़ा हैम, चीज और अब बस इसे सेकना बचा है। ओवन चालू कर दिया और यह तैयार हो रहा है। परफेक्ट, वाह, और यह एकदम तैयार हो गया। ओह यार, इसमें कोई भी ओरिजिनलिटी नहीं है। तो चलिए पहले ब्रेड को अच्छे से फ्राई करते हैं। एकदम सही। सलाद पत्ता, टमाटर और आप सैंडविच और मीट के बिना, यह क्या है? मेरे सैंडविच का सीक्रेट सामग्री या घोंगे हैं। इस तरह से, ओह यह भयानक है। बस हमें इसे इसके शेल से बाहर निकालना होगा। ओह मुझे इसे देखकर ही उल्टी आ रही है। ओह मैं इन व्यंजनों के बारे में कभी समझ नहीं पाई, कितना भयानक है। और भी शेल्स और ये मसल्स मेरे सैंडविच के लिए एकदम सही रहेंगे। ओह ये क्या गड़बड़ है, छी कितना डरावना है। इसे हाउ के व्यंजन कहा जाता है, पर अभी भी किसी चीज की कमी है। डोर ब्लू चीज या सी फूड के साथ अच्छा लगता है। बस अब हो गया, यह फाइनल टच है दादी। बस यह हो गया। ओह कितना भयानक है। तो क्या आप तैयार है? वाह कूल सैंडविच, मैं इसके साथ शुरू करूंगी। छी यह क्या है? यो छी छी छी, क्या गड़बड़ है? ओह नो, यह अधिक स्वादिष्ट लग रहा है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। बहुत अच्छा, मुझे मीठा पसंद है, बहुत स्वादिष्ट। अच्छा तो अब यह अंतिम वाला। यह बहुत स्वादिष्ट है। यह एकदम सही है दादी, आप जीत गई। हुर्रे, मैं जीत गई। अच्छा तो अब आगे क्या है? अब मैं चाहती हूँ सीजर सैलेड। ओह कूल, वाह आखिरकार। और यह क्या है? चलो शुरू हो जाता हूँ। टमाटर काटना जितना लगता है उससे कहीं ज्यादा कठिन है। ओह यह क्या है? ओह तुम रुको टमाटर, मैं बस तुम्हें काट कर ही रहूंगा। अरे तुम क्या कर रहे हो, सावधान रहो यंग मैन, ये बहुत आसान है। देखो एक और दो, बस हो गया। एक और दो, बस अब इसमें सलाद के पत्ते मिलाना है। और बिना चिकन के कैसा सीजर सलाद, और इसे काट कर डालना है। हाँ एकदम सही। ओह ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे पास एक आइडिया है। थोड़ा ताजा अरुगला और ढेर सारा बटर, सब कुछ एक ब्लेंडर में डालें और इसे अच्छे से फेंटे। चलो शुरू करते हैं। एकदम सही। ओह ये तामझाम, हमें एक छोटे सॉस पैन की आवश्यकता होगी। हम इसमें सभी लिक्विड डालते हैं। ओह आखिर वह कर क्या रही है, मुझे पता नहीं है। अजीब है, एक बड़ी सिरिंज और एक ट्यूब, अब एक जादू होगा। अब इसका एक सॉसेज बनेगा। चलो सैलेड पत्ते, टमाटर और निश्चित रूप से चिकन डालें। ऐसे टुकड़े ठीक रहेंगे। और थोड़े क्रूटॉन और निश्चित रूप से चीज। और अब यह तैयार है। Awesome. हाँ मैं लगभग भूल गई थी, मुझे कुछ चीज को ग्रेट करने की जरूरत है, इस तरह से। अरे यह क्या हो रहा है,
सब्जियाँ काटना बहुत मजेदार है। ओह, फिर से मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ, मेरे पास एक शानदार आइडिया है। मेरे पास ये कूल गम है। मैं इसे लेटस के पत्तों के रूप में उपयोग करूँगा। ओके। और ये गमी आइस और डिश को सजाने के लिए मार्शमेलोस और गमी बम्स डालता हूँ। और अब यह पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हाँ, देखो यह तैयार है। यह पूरी तरह से बेस्वाद है। केट, हम तैयार हैं। चलो देखते हैं। मैं उसके साथ शुरू करूंगी। यह क्या है? आ आ, छी, क्या गड़बड़ है? निश्चित रूप से नहीं। और यहाँ क्या है? हाँ, हाँ, सलाद, कुछ भी अलग नहीं है। और यहाँ कुछ दिलचस्प। ये बहुत स्वादिष्ट है। यह निश्चित रूप से एक विजेता है। हुर्रे! हाँ, विक्ट्री! ये! वाह, बारबरा, तुम भाग्यशाली निकली। एक पूरी प्लेट भरकर पॉपकॉर्न। निक के पास ज्यादा नहीं है, पर वो परेशान भी नहीं है। जूली की किस्मत साथ नहीं है, उसके पास सिर्फ एक है। जूली, तुम शुरू करो। मेरे पास एक आइडिया है। मेरा हेयर स्ट्रेटनर कहाँ है? मुझे यही चाहिए था। वास्तव में तेज और स्वादिष्ट निकला। वाह, अब मैं इस पॉपकॉर्न को जल्दी से पकाऊंगा। वाह निक, तुमने ये नहीं बताया कि तुम एक शेफ हो। इस रेसिपी को लिख लो। एक फ्राइंग पैन लो और इसमें मकई के दाने डाल दो और एक दो मिनट इंतजार करो, फिर इसके मजे लो। वाह, यह एक विस्फोट है। लड़कियों, सावधान हो जाओ। वाह निक, यह वास्तव में विस्फोटक नुस्खा था। पॉपकॉर्न बनाने का मेरा अपना तरीका है। कोला में थोड़ा टबैस्को मिलाएं और इसे अपने दोस्तों को पीने के लिए दें। यह क्या है? बस मुझे इसी की जरूरत थी। धन्यवाद निक। तीखा, गर्म। वाह निक और बारबरा के पास कितने सारे गमी आए हैं और जूली के पास सिर्फ एक है, केवल एक। कितना कम। निक, यदि तुमने ध्यान नहीं दिया है तो जूली मजाक के मूड में नहीं है, इसलिए यह लो। मेरे साथ मत उलझो, हमें झगड़ना क्यों है? अब मैं तुमसे बदला लेकर आऊंगा। निक, अब तुमने क्या सोचा है? आँख में केचप? छी, कितना गंदा। जूली, अगर तुम चाहो तो मेरी आँख खा सकती हो। क्या यह सच में तुम्हारी आँख है? हाँ, यह लो। इसे मुझसे दूर करो। बारबरा, सावधान, तुम्हें निक की आँख खाली है। यह क्या? छी, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सुबह सुबह एक कप गर्म कॉफी से बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। बहुत स्वादिष्ट। रुको, यह क्या है? एक आईबॉल। तुम लोग असली जोगर हो। अब मेरी बारी है। कितना स्वादिष्ट है, मैं इसे हमेशा खा सकती हूँ। वाह, इसे कहते हैं भूख। ओह, क्या स्पीड है। मेरी बारी है, अब टर्बो मोड। स्वादिष्ट। वो नेक, तुमने वो सब कितनी जल्दी खा लिया। क्या तुम लड़कियों के साथ शेयर कर सकते हो? प्लीज, तुम्हें बहुत भूख लगी है। केवल एक प्लीज? नहीं, ये मेरे हैं। निक, तुम इतनी गमी आई एक साथ नहीं खा सकते। बहुत देर हो गई। अब तुम वो सारी शरारत देखो जो लड़कियों ने तुम्हारे साथ की है। छी, मैं सब नहीं खा सकती। इसे मेरे सामने से हटाओ। केवल एक? मैं यह कर सकता हूँ। वो क्या है? दोस्तों, हिम्मत से काम लो, तुम यह कर सकते हो। मैं पहले शुरू करूंगी। बारबरा, यह एक बीज है, तुम्हें इसे खाना नहीं चाहिए बल्कि इसे लगाना चाहिए। ध्यान से बारबरा, देखो तुम कहाँ फेंक रही हो। अब मैं तुम्हें रोपने जा रही हूँ। बढ़ो, पौधा निकल क्यों नहीं रहा है? बारबरा, तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, उसे बढ़ने का समय दो। मैं पहले शुरू करता हूँ। इसे जल्दी से खा लेना चाहिए ताकि इसका स्वाद समझ में नहीं आए। कितना गंदा। मुझे इस खराब स्वाद से जल्दी छुटकारा पाना है। मुझे इसी की जरूरत थी। मैं ये ले रही हूँ। मुझे अपने पौधों को पानी देने की जरूरत है। अब यह बढ़ेगा। भूकंप, छिप जाओ, डरो मत। वो सिर्फ बारबरा का बीज बढ़ रहा था। अब बारबरा के पास अपना ब्रोकली का पौधा है। कितना खराब। मुझे ब्रोकली से नफरत है। छी,
बार-बार तुम्हें अपने आप को साफ कर लेना चाहिए और तुम्हें अपना ब्रोकली खा लेना चाहिए। नहीं, ब्रोकली के अलावा कुछ भी चलता, पर मेरे पास एक आइडिया है इससे छुटकारा पाने का। देखो उधर ऑक्टोपस है। जूली, तुम्हें पता है ना कि सभी शरारतों की सजा अंत में जरूर मिलती है, और एक तो निक ने तैयारी कर रखी है। वो बहुत स्वादिष्ट था, तो फिर थोड़ा और खाओ। नहीं, छी, कितना खराब। अगली बार धोखा देने की कोशिश मत करना। वाह, फ्रेंच फ्राइज, सभी काफी खुश हैं। यह वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। पर रुको, जूली उतनी भाग्यशाली नहीं है, उसे बस एक छोटा फ्राई मिला है। कितना स्वादिष्ट, पर बहुत कम। मुझे और चाहिए। अब मेरी बारी है। बार-बार थोड़े फ्राई मुझे दो। क्या, कम से कम एक ही दे दो। Could you please? बिल्कुल नहीं, ये लो। तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? तुम बस देखो, मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगी। जूली बार-बार के केचप को वास्तव में तीखा बना रही है, यह कोई अच्छी बात नहीं हुई। होना चाहिए था। बार-बार तुम्हें जल्दी से ठंडा होने की जरूरत है, पर केचप के साथ नहीं, यह बेहतर है। मेरे पास पर्याप्त केचप है। निक, अपने फ्राइज का ध्यान रखो, वरना तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। क्या? बहुत स्वादिष्ट, धन्यवाद निक। तुमने मेरा सारा फ्रेंच फ्राइज खा लिया, यह लो। निक, परेशान मत हो, बस अगली बार अधिक सतर्क रहना। वाह, प्रिंगल्स का एक पूरा कैन। निक तो किस्मत वाला निकला। पर बार-बार के पास तो इसका पूरा पिरामिड है। वाह, और जूले के पास सिर्फ एक है, और वह बहुत ही छोटा है। मैं यह ठीक कर लूंगी। अब बेहतर है। स्वादिष्ट। निक, तुम्हें क्या हो गया? अब तुम चलो। क्या, यह खुल क्यों नहीं रहा है? ध्यान से, अपने दांत मत तोड़ लेना। लगता है आज तुम्हें प्रिंगल्स नहीं मिलने वाले हैं। इसके लिए तो मेरे पास एक चेन सॉ है। ओ, ये हमें मत काट देना। बस कुछ बार काटना होगा और फिर यह कैन खुल जाएगा। तुम तो एक असली मास्टर निकले। देखो, वाह निक, ये कितनी ताकत से तुमने फेंका। प्रिंगल्स को वो कैन सीधे आकाश तक पहुँच जाएगा। निक, अपना मुंह खोलो, चिप्स तुम्हारे तरफ आ रहे हैं। आखिरकार मैं अपने स्वादिष्ट चिप्स खाती हूँ। वाह बार-बार, तुम्हें तो काफी भूख लगी है। अरे ध्यान से अपना कैन फेंको। ओह, चोट लग गई। कितना स्वादिष्ट, क्या हो रहा है? निक, बेहतर होगा कि तुम टेबल के नीचे छिपे रहो, बार-बार बॉम्ब फेंक रही है। जूली, झुक जाओ, मैं इसका शिकार फिर नहीं बनूंगी। वाह, तुम तो एकदम तैयार हो, पर निक तो नहीं। ध्यान से, यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। बार-बार अपना टावर पकड़ कर रखना। यह काम कर गया। यह क्या हुआ? किस्मत ने फिर जूली का साथ नहीं दिया, सिर्फ एक। निक के साथ ऐसा नहीं है, उसे पूरा एक प्लेट स्किटल मिला है। वाह, और बार-बार को सारे रंग मिले हैं। सिर्फ एक, और वो भी इतना छोटा। चुप रहो, मेरे पास एक आइडिया है। जूली, मुझे नहीं लगता कि वह काम करेगा, पर कोशिश करके देखो। वाह, अब यह तो बढ़िया है, अब यह बेहतर है। वाह, कितना स्वादिष्ट, यह कमाल का था। मैं तो स्किटल्स हमेशा खा सकती हूँ। वाह, बहुत अच्छा। निक, अब तुम्हारी बारी। देखो अब मैं क्या कर सकता हूँ। वाह, तुम तो हमेशा सरप्राइज लेकर आते हो, पर तुम्हें और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। अरे नहीं, मेरे स्किटल्स। वैसे मैं जानता हूँ कि अभी भी बहुत स्किटल्स किसके पास है। निक, मुझे नहीं लगता बार-बार को यह आइडिया पसंद आएगा।
उसे तो पता भी नहीं चलेगा। हाथ हटाओ, आउच। यह सिर्फ मेरा है। मैं कौन से फ्लेवर के साथ शुरू करूं? यह वाला या यह वाला? No. नहीं, यह वाला। What? मैं चुन नहीं पा रही, यह बहुत मुश्किल है। ओ, मुझे पता है। वह क्या है? एक लॉटरी जिसकी मदद से मैं एक रंग चुन पाऊंगी। चलो खोल कर देखती हूँ। मैं हरे के साथ शुरू करूंगी। ओके। कितना स्वादिष्ट। मुझे स्किटल्स बहुत पसंद है। मुझे सारे फ्लेवर एक साथ खाने का मन है। कितना बढ़िया। पता नहीं इसके अंदर क्या होगा। यह क्या है? बड़ा स्किटल्स है। कितना बड़ा है और जरूर बहुत स्वादिष्ट भी होगा। एकदम सही कहा, यह लाजवाब है और उसके अंदर एक सरप्राइज भी है। Okay. दोस्तों इधर आओ, इधर सबके लिए काफी है। वाह, ट्विक्स तो कमाल का होता है। What? Okay. यह लोग तो शुरू करने का इंतजार ही नहीं कर सकते। मैं पहले चलती हूँ। अरे ध्यान से, मेरे पास एक आइडिया है। रुक जाओ जूली, सावधान रहना वरना तुम सब काट दोगी। हो गया। उप्स। कितना स्वादिष्ट, इसे खाकर तो मजा ही आ गया। जूली, तुम तो इतनी गंदी हो गई हो कि अब तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। अब मेरी बारी है। ओह, तुमने तो वो रैपर बहुत जल्दी हटा दिए, बहुत अच्छा। कितना स्वादिष्ट। पर फिर भी किसी चीज की कमी है। हाँ, मुझे गर्म दूध की जरूरत है। ये तो एक असली चॉकलेट कॉकटेल बन गया है। एकदम सही जोड़ी है। अब मेरी बारी है। वाह, तुम्हारे पास तो ट्विक्स से बनी एक पूरी दीवार है और अब मैं इसे तोड़ने वाला हूँ। मेरे उपकरण कहाँ है? न्यूटेला, मुझे इसकी ही जरूरत है। ट्विक्स को एक टावर बनाने जा रहा हूँ। निक, तुम्हें अपने दोस्तों को ट्विक्स के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। क्या हो रहा है? नहीं। निक, क्या तुम ठीक हो? हाँ, मेरे हैट ने मुझे बचा लिया।